1450 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परकोटे में मेट्रो विस्तार के शिलान्यास के साथ ही लक्ष्मी मंदिर अंडरपास, रामनिवास बाग की पार्किंग और सिल्वन जैव विविधता वन का लोकार्पण भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो रेल परियोजना के फेज वन सी का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चांदपोल से बड़ी चौपड़ स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो को देखा और मेट्रो ट्रेन में ही सफर भी किया। रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुलाकर, अब मुझे कहते घर है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है आज उसका पार्ट सी परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है, सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामनिवास बाग में समारोह के दौरान रामनिवास बाग में बनाई गई 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण किया। 95 करोड़ की लागत से 49,680 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवाया गया। इसके अलावा आगरा रोड पर भी सेंट्रल पार्क के जैसे बड़े पार्क की सिल्वन जैव विविधता वन का लोकार्पण किया गया। सिल्वन पार्क सुमेल रोड पर 113 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया गया है। आगरा रोड क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर वन राज्य बन गया, देश का नंबर वन राज्य बन गया। आर्थिक विकास दर हमारी जो है अगर बड़े राज्यों में देखिए हम लोग देश के नंबर दो पे हम लोग हैं। नंबर वन आंध्र प्रदेश 11.4% आर्थिक विकास दर, और अगर हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों में चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा जो भी हो, उत्तर भारतीय राज्यों में नंबर वन है पर 11.04%। चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर उस योजना को मूर्त रूप देने में लगे हैं जो जनता की नजरों में उनकी सरकार के ग्राफ को और ज्यादा ऊंचा कर दे और चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवलोकन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने मानसरोवर के सभा स्थल का जायजा लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे। करीब 75,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जीत का मंत्र देंगे, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की नींव रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत आज सभा स्थल पर पहुंचे और सभा स्थल का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री के साथ पीसीसी चीफ भी मौजूद है। 75,000 कार्यकर्ताओं को यहां पर जुटाने का लक्ष्य राजस्थान कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। एक प्रकार से गांव गांव में उत्सव मनाए जा रहे हैं कि हमारा खुद का अपना भवन नया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन बनने जा रहा है और सौभाग्य से उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खुद आ रहे हैं, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं पूरे अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहा है। गोविंद सिंह दत्तात्रेय जी के अध्यक्ष रहते हुए को भवन बने अपने खुद का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इससे बड़ा इनके लिए भी क्या सौभाग्य होगा। 100 साल का इतिहास लंबा होता है, उससे भी गोविंद सिंह दत्तात्रेय जी का अध्यक्ष रहते हुए भवन बना है,
शांति धारीवाड़ी रहते हुए जमीन उपलब्ध हुई है। ये तो देखो इतिहासिक बातें हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की भी और हर्ष का भी एक माहौल है प्रदेश के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर भी, नेताओं के अंदर भी, पदाधिकारियों के अंदर भी, सभी लोगों के अंदर, कि हर परिवार कांग्रेस का जो है, सब तो आ नहीं पाते हैं, लाखों लोग होते हैं, पर एक प्रकार से गांव-गांव में उत्सव मनाए जा रहे हैं कि हमारा खुद का अपना भवन, नया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन बनने जा रहा है। और सौभाग्य से उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खुद आ रहे हैं, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, पूरे अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं। उनके हाथों से ये कर कमलों से ये भवन का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेसजनों के लिए गौर की बात है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और कल वे झालावाड़ और कोटा में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं आज कोटा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन राजस्थान में बना लिया है। पुष्कर सिंह धामी आज कोटा पहुंचे। कोटा में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई, जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि धामी से उत्तराखंड तो संभल नहीं रहा और राजस्थान में आकर के यहां के स्थापित नेताओं का अपमान कर रहे हैं। प्रताप सिंह ने कहा कि वसुंधरा जी के इलाके में जाकर के बाहरी राज्यों के सीएम दींगे हांक रहे हैं, गहलोत सरकार पर बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान की कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बहुत बेहतर है। झालावाड़ वगैरह वहां पर भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये जो मुख्यमंत्री ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं ना बाहर के आए हुए मुख्यमंत्री, वो सुन लें। अरे भैया उत्तराखंड संभालो, आप बड़ी बड़ी बातें करो, उत्तराखंड संभल नहीं रहा, थोड़े से वोटों से वहां जीत गए, डींगे बड़ी बड़ी मार रहे हो, एमपी यूपी और हरियाणा से 100 गुना अच्छी है राजस्थान की कानून व्यवस्था। तो डायलॉग मत मारिए मुख्यमंत्री जी, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठिए। रोज बीजेपी के नेता बदल बदल कर आ रहे हैं, राजस्थान के जो बीजेपी के स्थापित नेता उनको साइडलाइन करके बाहर के नेताओं के दम पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी कहीं फाइट में भी नहीं आएगी, 156 का नारा सक्सेस होगा, बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब हमारे साथ है। आज भी लोगों में चर्चा है, इन्होंने किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया, हमने तो 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं, 22 लाख किसानों के।